हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी रक्षाबंधन आने वाली है और उसमें हम कोई ना कोई गिफ्ट परचेस करते हैं, तो आज हम यहाँ पे मोस्ट ट्रेंडिंग रसमलाई चॉकलेट बार बनाएंगे और उसके साथ हम रसमलाई फ्लेवर की राखी भी बनाएंगे। तो आप इस रक्षाबंधन में इसे एज अ गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। रसमलाई चॉकलेट बार बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पतीली में बॉइलिंग हॉट वाटर लिया है और बाउल में मैंने 100 ग्राम जितनी वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो आती है वो ली है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अगर आप इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करना चाहते हैं तो इसे 20 सेकेंड के लिए 2 बार मेल्ट करना है और फिर से इसे 10 सेकेंड के लिए मेल्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी चॉकलेट है वो डबल बॉयलर पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट होती है वो डार्क कंपाउंड चॉकलेट के कंपेयर में ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो इसे हमें कभी भी हाई टेम्परेचर पे इसे मेल्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारी चॉकलेट है वो एकदम स्मूथ और सिल्की बन गई है। चॉकलेट को हम यहाँ पे हल्का सा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी चॉकलेट है वो एकदम रूम टेम्परेचर पे ही है। इसमें ऑयल बेस्ड लेमन येलो कलर होता है वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारी रस मलाई होती है वो येलो कलर की होती है। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 बूंद जितना ही लेमन येलो कलर ऐड करना है। इसमें हमें वाटर बेस्ड कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली जो ऑयल बेस्ड कलर होता है उसका ही इस्तेमाल करना है। चॉकलेट में अच्छे से येलोइश कलर आ गया है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें रसमलाई एसेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो ऑयल बेस्ड एसेंस आता है उसका ही इस्तेमाल करना है। तो जस्ट 1 से 2 बूंद जितना ही एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट बार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड लिया है। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो इस तरह का जो प्लास्टिक मोल्ड आता है बार बनाने के लिए वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके प्रिपेयर की है वो इसे मोल्ड में पोर कर लेंगे। यहाँ पे हम रस मलाई फ्लेवर की ये चॉकलेट बना रहे हैं। आप यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पान एसेंस और ग्रीन कलर ऐड करोगे तो आपकी जो पान फ्लेवर का चॉकलेट बार बन के तैयार होगा। मोल्ड को हम थोड़ा सा मूव कर लेंगे और इसे 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से पहले 1 से 2 जितने केसर के धागे ऐड करेंगे। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आलमंड को इस तरह रफली कट कर लिया है, तो इसे ऐड करेंगे और उसके साथ हम पिस्ता की स्लाइस को भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ये रस मलाई चॉकलेट बार बनाया है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे इस तरह चॉकलेट बार बना सकते हैं, जैसे कि पान फ्लेवर, गुलकंद फ्लेवर, केसर पिस्ता फ्लेवर। आप इस तरह अपनी पसंद के कोई भी चॉकलेट बार बना सकते हैं। इसमें प्रोसेस सेम ही रहती है, ओनली हमें इसमें कलर और एसेंस चेंज करना रहता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे ताकि जो हमारा बार है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे रसमलाई फ्लेवर की राखी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट बनाने का जो रोज़ मोल्ड आता है वो लिया है। तो इस तरह का जो रोज़ मोल्ड है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जहाँ से हम बेकरी का रॉ मटेरियल लेके आते वहीं से हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हम पहले ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो यहाँ पे आप जो मैरी बिस्किट आता है इसे इस तरह आप चॉकलेट में पहले डिप कर लीजिए और उसके बाद ऊपर से हमें ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करना है। तो आपकी जो राउंड शेप की जो राखी होती है वो बनके तैयार हो जाएगी। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। 15 मिनट के बाद जो हमारा चॉकलेट बार है वो अच्छे से सेट हो गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट तरीके से सेट हुआ है। इसे डिमोल्ड कर लेंगे। तो
तो जब भी हम इसे सेट होने के लिए रखते हैं तो हमें इसे फ्रिज में ही रखना है, कभी भी हमें इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है। अगर हम इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे तो जो हमारा चॉकलेट बार है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चॉकलेट बार है वो नीचे की साइड पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, वो तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर की साइड भी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को स्टिक करूँगी। तो मेल्टेड चॉकलेट को हम ब्रश से इस तरह अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ और बादाम और पिस्ता की स्लाइस को थोड़ा सा स्टिक कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल रसमलाई चॉकलेट बार बनके तैयार है, वो भी फुल ऑफ ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब दूसरी ओर हमने जो राखी को सेट होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से सेट हो गई है, तो इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह आप फ्लावर डिज़ाइन की रसमलाई फ्लेवर की राखी भी बना सकते हैं। तो ये जो राखी वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह आप रक्षाबंधन में ऐसी राखी बना के भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे राखी और चॉकलेट बार बना के प्रिपेयर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे कैसे पैक करना है वो देखेंगे। तो जो चॉकलेट बार है इसे हम पहले क्लिंग रैप से कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिंग रैप लिया है, इसे हम चॉकलेट बार को पहले कवर कर लेंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो जो एल्यूमिनियम फॉइल आता है इससे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से इस तरह कवर करना है। यहाँ पे आप जो चॉकलेट रैप करने के जो पेपर आते हैं उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे इसे क्लिंग रैप करते हैं तो जो हमारी चॉकलेट बार की डिज़ाइन होती है वो दिखाई देती है, तो दिखने में एकदम सुंदर लगता है। और आप इस चॉकलेट बार को रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं करीबन 2 से 3 महीने तक। अब यहाँ पे हम सेम प्रोसेस से राखी को भी क्लिंग रैप कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बार को गिफ्ट पेपर में रैप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेपर को रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है और इसे हमें यहाँ पे टैप से थोड़ा सा स्टिक करना है। तो जो सेलो टेप होती है इसे हम थोड़ा सा स्टिक कर लेंगे और यहाँ पे हम राखी को भी जो हमारी ये रिबिन पट्टी है इसे सेलो टेप से इस तरह स्टिक करना है। तो यहाँ पे आपकी इस तरह राखी और जो चॉकलेट बार है वो बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे इस तरह रक्षाबंधन में गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जल्दी वापस आएंगे ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।